الكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کو چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں. یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خواتین و حضرات، وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پاکستانیوں، آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ویلفیئر پروگرام، یعنی ویلفیئر پروگرام کا مطلب کہ جس سے ہم نے اس ملک کو ایک فلاحی ریاست کی طرف لے کے جانا ہے، وہ سب سے بڑا ویلفیئر پروگرام آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہماری احساس کی جو ٹیم ہے، جس نے 3 سال لگائے سارے ملک میں ڈیٹا بنانے کے لیے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہر خاندان جو پاکستان میں ان کی کیا حیثیت ہے،
क्या उनकी उनके हालात क्या हैं, और ये बड़ा मुश्किल काम था। 3 साल हमें लगे ये पूरा डेटा बनाने के लिए। तो जब तक वो डेटा नहीं था हमारे लिए सब्सिडीज देना और आसान नहीं था, अंदाज़ों पे था। तो अब हमारे पास एक पूरा डेटाबेस आ गया, इसलिए आज मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं आपके सामने ये प्रोग्राम अनाउंस कर सकता हूँ। इससे पहले मैं सिर्फ अपनी कौम को याद कराना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान हमें मिला था वो इस मुल्क की तारीख में कभी भी हालात, माशी हालात इतने बुरे नहीं थे जो हमें मिले। यानी खसारा भी सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का, कर्जे भी सबसे ज़्यादा, सूद भी उन कर्ज़ों पर सबसे ज़्यादा देना पड़ा। जो करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको कहते हैं कि जितने डॉलर्स अंदर आ रहे हैं तो बाहर, उसमें तारीखी खसारा। रिजर्व्स हमारे तकरीबन ना होने के बराबर, यानी कि जो हमें बाहर हमें जो लाइबिलिटीज़ थी, हमें बाहर पैसे देने थे जिन्होंने हमें कर्जे दिए हुए थे, हमारे पास पैसा नहीं था उनको कर्जे देने का। और हम ख़ास तौर पर आज मैं फिर से हमारा मुल्क शुक्रगुजार है सऊदी अरेबिया का, यूएई का और चाइना का, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमें हमारी मदद की, जिसकी वजह से हम डिफ़ॉल्ट नहीं करें। अगर डिफ़ॉल्ट करते तो रुपया बिल्कुल नीचे गिर जाना था और महंगाई आसमानों पे। और उसके अलावा फिर हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा क्योंकि हमें उनकी मदद चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स नहीं थे अपने लाइबिलिटीज़ वापस करने पर। तो हम फिर 1 साल अपने मुल्क को स्टेबल करते रहे और उतने में कोरोना आ गया। अब कोरोना का आपको एक चीज़ समझनी है, 100 सालों में दुनिया में इतना बड़ा बुरहान नहीं आया जितना ये कोरोना लेके आया। और इससे पाकिस्तान ही नहीं मुतासर हुआ, सारी दुनिया मुतासर हुई, और ख़ास तौर पे गरीब मुल्क मुतासर हुए, अमीर मुल्कों में भी गरीब लोग मुतासर हुए। और इस मुश्किल मरहले में मैं ये बड़े फ़ख्र से आज कहना चाहता हूँ कि जो मेरी टीम थी, जो एनसीओसी, जो हमने एक टीम बनाई जिसके अंदर हमारे टॉप डॉक्टर्स थे, जिसमें हमारे सूबे भी शिरकत कर रहे थे उनके चीफ सेक्रेटरीज, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज भी शिरकत कर रही थी, हमारे जो मिनिस्टर थे, जिस तरह हमने फैसले किए और डेटाबेस फैसले किए, और जिस तरह हमने इस कि एक तरफ खौफ ये था कि अगर कोरोना तेज़ी से बढ़ती गई तो अस्पतालों में हालात बुरे हो जाएंगे, अस्पतालों में जगह नहीं होगी। जिस तरह हिंदुस्तान में, अगर पता नहीं आपने देखा या नहीं, लोग बेचारे बाहर पड़े हुए थे, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, लोग पहुंच नहीं सके, ऑक्सीजन लोग मर जाते थे। तो एक तरफ वो खौफ था, और दूसरी तरफ अगर आप जब लॉकडाउन करते हैं, अपनी मईशत को बंद करते हैं, तो उससे वो सारी मईशत तबाह हो जाती है, फैक्ट्रियां बंद, सब कुछ हो जाता है। तो ये इसके बीच में जो रास्ता था, जो रास्ता पाकिस्तान ने लिया, इसमें बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन थी जिस तरह हमारी एनसीओसी ने, जिस तरह हमने फैसले किए। और इसमें बड़ी रिस्क भी थी क्योंकि जब हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया हिंदुस्तान में, तो मेरे पे बड़ा प्रेशर डाला गया कि जी देखिए आप नहीं कर रहे, आपके ऊपर FIR कर देनी चाहिए, लोग मर जाएंगे यहाँ। लेकिन मुझे बड़ा आज फ़ख्र है कि हम वो मुल्क हैं जिसको इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया गया कि वो मुल्क है जिसने चंद मुल्कों में से सबसे बेहतरीन तरीके से इस मुश्किल मरहले से निकला। और इसमें हम अपनी बात तो क्या करें, इसमें वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट है, इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की मिसाल दी है, इसके अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की कि जिस तरह हमने ये बैलेंस किया, और फिर इकोनॉमिस्ट मैगजीन, इसने कहा कि पाकिस्तान तीसरे नंबर पे वो था जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से निकल के हालात को नॉर्मल कर लिया। और मुझे फ़ख्र ये है कि आज अगर आप देखें हिंदुस्तान के हालात देखें, जो जिस तरह वहाँ गुरबत बढ़ी और जिस तरह उनकी इकोनॉमी 7% पर पहुँच गई, उसमें ज़रा मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इसमें क्या थी। अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, जब उन्होंने लॉकडाउन लगाया और उनकी माशियत नीचे चली गई, तो उन्होंने 4,000 अरब डॉलर खर्च किया अपनी माशियत को डिमांड उठाने के लिए। पाकिस्तान, जिसकी अमेरिका की
33 करोड़ आबादी और हमारी 22 करोड़, हमने टोटल पैसा $8 अरब खर्च किया जिससे हमने अपनी मईशत को बचाया। तो मैं उसमें ज़रा सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि हमने क्या क्या कदम उठाए। हमें सबसे बड़ा खौफ यह था कि लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, अगर कारोबार ठप हो जाए तो लोग बेरोज़गार होंगे, और जब लोग बेरोज़गार तो गुर्बत बढ़ेगी। तो इसलिए हमने वो जो लॉकडाउन से हम बचते रहे, हमने छोटे लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, लेकिन वो अपनी बिल्कुल इकॉनमी बंद नहीं की, और हमने ख़ास तौर पर अपनी ज़रात को बचाया और हमने किसी स्टेज पर उनको बंद नहीं होने दिया। और दूसरा हमने कंस्ट्रक्शन को बचाया, क्योंकि शहरों में सबसे ज़्यादा जो लोग रोज़गार देता है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देती है। और फिर हमने एक्सपोर्ट्स को पूरी बचाने की कोशिश की, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट्स बंद हो जाती तो हमारा डॉलर कम होने थे और रुपये ने गिर जाना था। तो मैं सिर्फ पहले अपनी ज़रात का बताना चाहता हूँ कि अल्लाह का करम हमारी पॉलिसी से क्या हुआ। आज हमारी जो चावल की ग्रोथ है जो जितनी तेज से वो बढ़ा है, वो 13.6% है। हमारी मकई 8% ज़्यादा बढ़ी, हमारी जो गन्ना है वो 22% ज़्यादा बढ़ा है, जो गंदम है वो 8%। ये सब रिकॉर्ड हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और जो पिछले साल हमारी कॉटन फेल हो गई थी उसमें इस साल 81% ग्रोथ हुई है। और जो इजाफी पैसा गया है हमारे ज़रात के अंदर वो 1100 अरब रुपया गया है। और इस साल आप ये समझें कि अगर किसानों का हालात अच्छे हैं तो वो कैसे हमें पता चलता है कि किसानों के वहाँ खुशहाली आई है। रिकॉर्ड मोटरसाइकिल की सेल हुई है पाकिस्तान की तारीख में, और ट्रैक्टर की रिकॉर्ड सेल हुई है, और उसके अलावा जो यूरिया है, यूरिया 23% ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब कि हालात अच्छे, और इंशाल्लाह जब किसान खुशहाल होता है तो उससे मुल्क की पैदावार बढ़ती है और मुल्क का फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ जो हमारी हाउसिंग थी, हमने कंस्ट्रक्शन के लिए किया, कंस्ट्रक्शन में इस वक्त 600 अरब रुपये के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन को इंसेंटिवाइज किया। फिर हमारा जो इंडस्ट्री है, असल तो दौलत मुल्क की तब बनती है जब उसकी मुल्क की इंडस्ट्री उठे। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी देर के बाद पाकिस्तान में पिछले 3 महीने में तकरीबन 13% उसमें ग्रोथ हुई है। इसका मतलब मुल्क की दौलत में भी इजाफा, इसका मतलब रोज़गार भी ज़्यादा। लेकिन मैं और इंडस्ट्रीज बता दूं कि इंजीनियरिंग के अंदर 350% के उनके प्रॉफिट्स के अंदर बढ़ा, उनका नफ़ा बढ़ा है 350 अरब रुपया। टेक्सटाइल में 163% इजाफा हुआ है उनके प्रॉफिट्स के अंदर। गाड़ियों में 131% इजाफा हुआ है। सीमेंट में 113% इजाफा हुआ है, और ऑयल और गैस में 75% इजाफा हुआ है। जो बिजली की कंजम्पशन बढ़ी है, हमें कैसे पता है कि हमारी इंडस्ट्री चलनी शुरू हो गई है, मुल्क की ग्रोथ रेट बढ़ गई है, तो बिजली की कंजम्पशन में 13% इजाफा हुआ है। और जो हमारा टैक्स है, जो पाकिस्तान की जो सबसे हमें क्यों हम फंस जाते हैं, हमारे पास इतनी आमदनी नहीं होती अपने खर्चे पूरे करने के लिए, 37% हमारा टैक्स के अंदर इजाफा हुआ है। हमारा जो टारगेट है टैक्स का, अल्लाह का खास करम है कि हम उस टारगेट से ऊपर जा रहे हैं, ये बड़ा कम हुआ है पाकिस्तान में। तो हमारे इंडिकेटर्स अल्लाह का शुक्र है कि सही रास्ते पर चले गए। मैं सिर्फ एक और बड़ी खुशखबरी सुनाऊं कि जो आईटी है, जो नौजवानों के लिए जो फ्यूचर है पाकिस्तान का आईटी का, पिछले साल 47% इजाफा हुआ आईटी के अंदर, और इस साल लग रहा है कि 75% हमारी आईटी के अंदर ग्रोथ हो रही है। तो ये हमारे यूथ के लिए बड़ी खुशहाल चीज़ है। लेकिन अब मैं जो इशू है उसकी तरफ आना चाहता हूँ कि जो महंगाई का मसला है, और महंगाई का वाकई मसला है। और मैं अपने जो हमारे मीडिया में भी लोग बैठे हैं, ऑपोजिशन का तो खैर हमें पता, उन्होंने तो उनका तो काम है और होना भी चाहिए कि तनकीद करना गवर्नमेंट पे, मीडिया का भी काम है, तनकीद करते हैं, और तनकीद से माशरे का फ़ायदा होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से। लेकिन मैं सिर्फ मीडिया को चाहता हूँ कि थोड़ा बैलेंस करें कि क्या हमारी गवर्नमेंट की वजह से कितनी महंगाई बढ़ी है, और क्योंकि हम एक दुनिया का हिस्सा हैं, जो दुनिया में जो हो रहा है उसकी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है, हमारे लोगों को के ऊपर कितना बोझ पड़ा है। तो एक ब्लूमबर्ग
कमोडिटी इंडेक्स है, और मैं अपने जो हमारे नौजवान हैं वो तो अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर गूगल कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने मीडिया के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, उसके मुताबिक एक साल में 50% इजाफा हुआ है कमोडिटी प्राइसेस में। पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 9% है। इंटरनेशनली ब्लूमबर्ग के इंडेक्स के मुताबिक 50% इजाफा हुआ है। मैं और मुल्कों का बताऊँ, मसलन तुर्की है, तुर्की के हालात हमारे से बहुत बेहतर थे। तुर्की में महंगाई 19% है आज। आज उनकी जो करेंसी है, हम कहते हैं ना हमारा रुपया गिरा है, उनका 35% उनकी करेंसी नीचे गिरी है। अमेरिका के अंदर 2008, अमेरिका और यूरोप के अंदर 2008 के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है। अब चाइना, उसका जो प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन है, प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन, वो 26 साल में सबसे ज़्यादा उसकी महंगाई ऊपर गई है। और जर्मनी में 50 साल के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है जर्मनी के अंदर। गैस के ऊपर आ जाएं, क्योंकि अभी सर्दियां आ रही है और हमें गैस का मसला आने वाला है, गैस पे आ जाएं। अमेरिका के अंदर 116% तक नेचुरल गैस के अंदर कीमतें बढ़ी हैं। यूरोप में 300% तक गैस की कीमतें बढ़ी हैं। और पाकिस्तान में जो आपके घरों में गैस जा रही है, उसकी कोई कीमत नहीं बढ़ी। कीमत तो बढ़ रही है वो जो हम बाहर से गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इसका मैं फिर से कहता हूँ कि हम उसका क्या करें, जो इन्फ्लेशन बाहर से आ रही है। अगर तो अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में ये सारी चीज़ें हो तो अब हम और कीमतें नीचे ले जाएँ, लेकिन बाहर से भी जो आ रही हैं चीज़ें, उसमें ज़रा एक चीज़ याद रखें कि जो फ्रेट है, जो समुंदर से जो किश्तियों में सामान आता है पाकिस्तान में, 350% फ्रेट के अंदर इजाफा हुआ है। इसमें अब पाकिस्तान क्या कर सकता है। फिर तेल पे आ जाएं, असल में जब तेल महंगा होता है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अब तेल पिछले 3-4 महीने में तेल की कीमत 100% बढ़ गई है। यानी तेल था $42 का, आज वो पहुंच गया $85 के ऊपर। हमारे मुल्क में कितनी बढ़ी है तेल की कीमत, 33%। इंटरनेशनली 100% बढ़ी है। अब जरा वो ये भी जरा देख लें कि हमारे जो सात मुल्क हैं जिनकी जिधर बल्कि गुर्बत हमारे से भी ज्यादा है, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में, आज हिंदुस्तान के अंदर तेल की कीमत है 250 रुपए लीटर, बांग्लादेश में तेल की कीमत है 200 रुपए लीटर, पाकिस्तान में तेल की कीमत है 138 रुपए लीटर। ये क्यों कम है? क्योंकि हमने जो लेवी लगती हैं, यानी जो टैक्स लगता है, वो सारे हमने कम करते गए ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। अगर हम जिस तरह इंटरनेशनल कीमतों में इजाफा था उसी तरह हम करते, या जो पिछली गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हुए थे, तो आज हमें 450 अरब मजीद इस गवर्नमेंट को फ़ायदा होना था। वो हमने अपने पेट काट के, तो इसलिए ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। तो जब आप कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया, इस वक्त पाकिस्तान सबसे स्वाय वो मुल्क जिन मुल्कों के अंदर तेल निकलता है, स्वाय उन मुल्कों के जो इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में से सबसे सस्ता मुल्क है पेट्रोल में। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है, और खसारा आ गई, बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, मैं आज आपको कह रहा हूँ। लेकिन अभी भी हिंदुस्तान से ज़रा सिर्फ मुकाबला कर लें कि 250 रुपये लीटर आज हिंदुस्तान में पेट्रोल बिक रहा है, और बांग्लादेश में 200 रुपये लीटर। तो आप ज़रा खुद ही मुकाबला कर लें कि पाकिस्तान में आज 138 रुपये का बिक रहा है। अब आटे के ऊपर आ जाए, आज अगर आप दुनिया की एवरेज निकालते हैं कि दुनिया में एवरेज पे आटा कितने का बिक रहा है, तो आपको हैरत होगी ये सुन के कि पाकिस्तान में उससे आधी कीमत पे आटा बिक रहा है। आज अगर हिंदुस्तान और बांग्लादेश से आप मुकाबला करते हैं, तो हिंदुस्तान में 83 रुपए केजी पे आटा बिक रहा है, और वो बांग्लादेश में भी 83 रुपए, पाकिस्तान में 60 रुपए केजी आटा बिक रहा है। मैं ये आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप ये समझ जाएं कि हाँ महंगाई है,
लेकिन गवर्नमेंट की तरफ भी देखें कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके ऊपर बोझ ना पड़े। अब दाल मूंग ये आम आदमी खाता है, इसमें भी देख लें कि हमारे से फिर से ज़्यादा गुर्बत है हिंदुस्तान में और बांग्लादेश में। हिंदुस्तान में बिक रही है 338 रुपए की केजी दाल मूंग, बांग्लादेश में 334 रुपए की और पाकिस्तान में 162 रुपए की बिक रही है। लेकिन मैं ये सिर्फ इसलिए आपको बताया कि आप समझ जाएं कि हमारी किधर मजबूरी है। दाल हमें ज़्यादातर इम्पोर्ट करनी पड़ती है, तेल बाहर से मंगवाना पड़ता है, घी की कीमत तकरीबन दुगनी हो गई है, जो पाम ऑयल है वो तकरीबन बाहर दुगना हो गया, वो हमें बाहर से लाना पड़ता है। तो उसमें हम क्या करें, यानी तो इसके लिए हमने फैसला किया, ये जो अब प्रोग्राम आपके सामने रखने लगा हूँ, इस सब चीज़ को देखते हुए हमने एक आपके सामने प्रोग्राम लाए ताकि आपके ऊपर बोझ ना पड़े और कम से कम बोझ पड़े। बोझ तो खैर पड़ा हुआ है, वो दुनिया का मसला बना हुआ है, और मैं ये भी समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह ये सर्दियों के बाद ये दुनिया में ये जो सप्लाई अफेक्ट हुआ है कोरोना की वजह से, ये ठीक होना शुरू होगा, कीमतें नीचे भी आ जाएंगी। लेकिन हम आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं और वो पैकेज है 2 करोड़ खानदानों के लिए और वो अफेक्ट करेगा तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानियों को। और इस ये पैकेज है 120 अरब रुपए का जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर दे रही है। इसमें हम 3 खाने पीने की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, घी, आटा और दाल, इसमें आप दुकान में जाके इस पर 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट, और ये 120 अरब रुपए की सब्सिडी है और ये इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक है ताकि ये जब मुश्किल वक्त निकल जाए। तो इसमें आपको 30% आपको इसमें बचत होगी जब आप जाके ये 3 चीज़ें खरीदेंगे। ये जो हमारा पैकेज है इंशाल्लाह अगर हमारे जिस तरह हमारा टैक्स बढ़ता जा रहा है, हमारे पास अगर अल्लाह हमारे हालात बेहतर करे तो ये हम मज़ीद आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी मजबूरी में ये हम लेके आ रहे हैं। अब इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एहसास का इसके अलावा 260 अरब रुपए के एहसास के प्रोग्राम चल रहे हैं, और ये भी सिर्फ और सिर्फ ये 1.2 करोड़ खानदानों को के लिए 260 अरब रुपए के हमारे जो प्रोग्राम उनके लिए अभी भी चल रहे हैं, ये उसके ऊपर पैकेज दिया जा रहा है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ हम लेके आ रहे हैं वो भी एक पाकिस्तान की तारीख में एक पहली दफ़ा इतना बड़ा प्रोग्राम है, कामयाब पाकिस्तान। कामयाब पाकिस्तान के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने 1400 अरब रुपए की फंडिंग रखी है इसमें, 1400 अरब रुपए। कभी पाकिस्तान की तारीख में अपने कमज़ोर तबके, और कमज़ोर तबके का मतलब ये है 40 लाख खानदानों के लिए ये हम लेके आ रहे हैं। 40 लाख खानदानों के लिए हमने ये एक सूद के बगैर कर्जों का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं ताकि सूद उन लोगों को हम ऊपर उठा सकें। तो उसके अंदर सबसे पहले घर बनाने के लिए सूद के बगैर आपको कर्जे दिए जाएंगे, ये जो 40 लाख खानदान है आप अपना घर बना सकेंगे सूद के बगैर कर्जे लेके। फिर अगर किसान है तो उसको 5 लाख का कर्जा मिलेगा सूद के बगैर, अपनी अपना वो जो भी अपनी ज़मीन पे इन्वेस्ट कर सके। शहरों के अंदर कारोबार चलने के लिए आपको कर्जा दिया जाएगा सूद के बगैर 5 लाख का। फिर एक खानदान में एक फर्द के लिए स्किल ट्रेनिंग करवाई जाएगी ताकि उसको कोई हुनर सीखे, ताकि वो अपने पैर पे खड़ा हो सके, अपने सारे खानदान की भी मदद कर सके। इसके साथ कनेक्टेड है कामयाब जवान प्रोग्राम। हमारा जो कामयाब जवान प्रोग्राम है उसमें अब तक हम कर्जे दे रहे हैं 22,000 नई छोटी छोटी बिजनेस के लिए हमने कर्जे दिए, जिसके अंदर 30 अरब रुपया हम दे चुके हैं, 30 अरब रुपया ये 22,000 बिजनेस के लिए। साथ साथ 2 लाख लोगों को स्किल्स एजुकेशन भी दे रहे हैं, यानी हुनर भी सिखा रहे हैं। और इसके साथ भी कनेक्टेड है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये अगर कोई चीज़ भी हमारे निचले तबके को, कमज़ोर तबके को उठा सकता है वो है तालीम। और उसके लिए कभी इतना बड़ा पाकिस्तान में प्रोग्राम नहीं है, 60 लाख स्कॉलरशिप्स और स्कूल स्टाइपेंड्स ये हम दे रहे हैं, और इसमें हम 47 अरब रुपया हम खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, इस बड़े प्रोग्राम में जिसमें सूबे भी शामिल हैं।
ये टोटल प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूं जिसमें हायर एजुकेशन सूबे हम सब मिलकर कर रहे हैं, 60 लाख स्कॉलरशिप्स और स्कूल स्टाइपेंड्स, ये कभी इस मुल्क की तारीख में कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। और आखिर में हेल्थ कार्ड, मेरी शुरू से कोशिश ये थी कि इस मुल्क के अंदर जो सबसे एक मुश्किल वक्त खानदान के ऊपर आता है कि अगर घर में बीमारी हो जाए और उनके पास पैसा ना हो इलाज करवाने के लिए, इसीलिए शौकत खानम बना था। वही कैंसर के इलाज इतना महंगा था, जब मैंने देखा कि हमारे लिए इतना मुश्किल था, अल्लाह ने हमें हैसियत दी थी, तो जो जिनके पास कुछ नहीं था वो क्या करें अगर उनके घर में बीमारी हो, तो इसलिए वो सोचा था। तो मैंने तब भी सोचा था कि एक दिन अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो हर पाकिस्तान के खानदान को मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस दिलवाऊंगा, और मकसद उसका ये होगा कि हर खानदान में अगर कभी भी बीमारी हो तो उनके पास पैसे हों और वो जाके किसी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सके। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है ये पूरी तरह इस वक्त पख्तूनख्वा के अंदर शुरू हो गया है। सारे पख्तूनख्वा के खानदान इस वक्त उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है और वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकते हैं। अब ये इस्लामाबाद की सारी एरिया में भी शुरू कर रहे हैं हम, और तकरीबन हम कर चुकेंगे इस एक दो महीने में। उसके बाद ये पंजाब में शुरू हो रहा है दिसंबर के आखिर में, मार्च तक सारे पंजाब के खानदानों के पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा, किसी भी अस्पताल में जाके 7 से 10 लाख रुपए तक अपना मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। और ये जितने भी आज़ाद कश्मीर जिधर हमारी गवर्नमेंट्स हैं, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कर रही हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी कर रही है। मैंने जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है बलूचिस्तान में, मैंने कल चीफ मिनिस्टर से बात की कि वो भी वहाँ से शुरू करें अपना प्रोग्राम, और इंशाल्लाह मार्च तक हमारे जितने सिंध, क्योंकि उनकी अपनी गवर्नमेंट है, मैं तो उनको भी कहूँगा सिंध को कि वो शुरू करें प्रोग्राम, क्योंकि इससे बड़ी नेमत एक आम शहरी के लिए नहीं हो सकती और ख़ास तौर पर जो कमज़ोर तबका होता। मैं अपने इंडस्ट्रियलिस्ट और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जितने बड़े बड़े हमारे सेठ हैं, मैं आप सबको आज अपील करता हूं कि जब आपका इतना ज़्यादा नफ़ा बन रहा है तो इसके अंदर उनको शामिल करें, जो मज़दूर हैं, जो आजकल की महंगाई में मुश्किल में हैं, उनकी ज़रूर आप तनख्वाहें बढ़ाएं। आखिर में मैं आज फिर से अपनी पहले तो एहसास की टीम को मुबारक देता हूं क्योंकि बड़ी मुश्किलों से डेटाबेस बनाया गया, और मैं अपनी मीडिया को फिर से मैं अपील करता हूं कि जब आप ये बड़ा आसान है, जब मुश्किल वक्त है, सारी दुनिया में मुश्किल वक्त है, तो आप अगर अमेरिका में भी किसी गरीब घर के पास ले जाएंगे जी गैस बड़ी महंगी है, या इंग्लैंड में तो चीज़ें नहीं मिल रही कई जगह क्योंकि वहाँ तो हालात और तरह के हैं, तो वो सारे कहेंगे अगर आप माइक ले जाएँ बड़ा मुश्किल वक्त है जी। लेकिन ये समझाएं कि ये कोई पाकिस्तान के अंदर मुश्किल वक्त नहीं है, बल्कि हम वो मुल्क हैं जो बहुत बेहतर तरह से निकला हुआ है इस मुश्किल वक्त से। जिस मुल्क के हालात वो थे 3 साल पहले और आज अगर आप देखें तो अल्लाह का खास करम है इसके ऊपर। और जो अपोजिशन सड़कों पर निकली हुई है कि जी बहुत महंगाई हो गई, तो मेरी सिर्फ दो बड़े ख़ानदानों से एक रिक्वेस्ट है, मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि 30 साल में जो आप दो खानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए, मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूं सारे खाने पीने की चीजों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। ₹120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दे रहे हैं, 3 अशिया घी आटा दाल पर फीसद सब्सिडी दी जाएगी। वजीर आजम ने एक और बात साफ बता दी कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ेगी, तेल पर आयात टैक्स में कमी की थी लेकिन अब पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ेगी। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कौम से खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल मुनाफे में 163% इजाफा हुआ है, टैक्स महसूलात में 37% इजाफा हुआ, सर्दियों में गैस का मसला भी आने वाला है, 3-4 महीनों में तेल की कीमत 100% बढ़ी, हमारे मुल्क में 33% इजाफा हुआ।